मैं अपनी गाड़ी यहाँ से चुपचाप लेके जा रहा था, लेकिन आगे जो मेरे साथ होने वाला था वो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था। ये देखो, तो आ चुका है तुम्हारा भाई एक न्यू गेम प्ले वीडियो लेके वापस, और उम्मीद करता हूँ तुम सब के सब बढ़िया होगे। तो आज अपन जा रहे फिर से इसी मनुष्य जगह प्रिजन में, लेकिन 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 ना गोलियों की धार से, ना किसी तलवार से, और ना ही कोई पहाड़ से, भाई कोई कहीं से भी नहीं मारने वाला है। फिलहाल यहाँ पर अपने को उतरते ही गन मिल चुकी है, और सामने वाले वेयरहाउस में एक बंदा है जो कि मेरा इंतजार कर रहा है। तो चलो देता हूँ जरा भाई को सरप्राइज। जैसे दीवालों को भी कान होते, वैसे इस वेयरहाउस के ऊपर भी थोड़ा सा गैप है भाई, उसको भी देख लिया करो। और मैं तुमको बता दूं, ये वाला मैच आगे चल के अभी सोलो वर्सेस स्क्वाड का हो जाएगा, क्योंकि मेरा टीममेट पता नहीं कौन से नशे करके गेम में आया था कि थोड़े टाइम बाद वापस ऑफलाइन हो जाता है। और भाई मैंने लास्ट में जो क्लचेस किए है ना, आय हाय, देख के तुमको मजा नहीं आया ना, तो मेरा नाम भी फोर्टी गेमिंग नहीं। अब ये सब तो बकवास की बात है, लेकिन मजाक से हटके भाई, इस वाले मैच में लास्ट में जो क्लचेस हुए है ना, वो देख के तुमको सच में मजा आ जाएगा यार। फिलहाल जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले दिखता है मेरे को ये करियो चलाते नहीं। इस तलवार की वजह से यहाँ पर मेरा किल चले गया। खैर, इसको तो मेरे टीममेट ने यहाँ पर मार दिया, लेकिन अब बारी आती है इसके टीममेट की, जो कि ठीक अभी अपने सामने की तरफ है। हाँ भाई, तुम तलवार चला लो। ये देखा, ये तलवार चला रहा था। चलो अब इनका एक बंदा मैंने नीड से नॉकआउट कर दिया, और यहाँ पर इतनी मौलिया फेंका हूँ फिर भी बंदा नॉकआउट नहीं हुआ, मतलब कि ये सीढ़ियों पे आकर बैठा है। फिलहाल जैसे इसको फिनिश करता हूँ, इसका तीसरा वाला बंदा जो कि यहीं पर कैंपिंग करके बैठा हुआ था, और ये बात ना ही मुझे पता था ना ही मेरे टीममेट को। एक नॉक है। अब इन तीनों बंदों को यहाँ पर जैसे मारता हूँ, तभी नीचे की तरफ से एक और बंदे का फुटस्टेप आता है, लेकिन उससे पहले जरा ये डीबीएस उठा लूँ, क्योंकि भाई अब से ये मैच होने वाला है सोलो वर्सेस स्क्वाड का, तो भूल जाओ मेरा कोई टीममेट भी था। तो अगर ऐसे में मेरे ऊपर चार बंदे रश कर रहे हैं, तो हो सकता है डीबीएस मेरे को कहीं ना कहीं बचा ले। फिलहाल देखता हूँ जरा इस नीचे वाले बंदे को। अब इस बंदे को फिनिश करने के बाद यहाँ नीचे की तरफ जितने बंदे थे वो तो खत्म हो जाते, लेकिन अब बारी आती है मेन बिल्डिंग की। अभी ये जिस बंदे को तुमने देखा ना भाई, ये बंदा मेरे को आगे चल के इतना परेशान करने वाला है कि मैं तुमको क्या बताऊं यार, तुम खुद देखो। अब बस तुम देखो, अब बस तुम देखो भाई, इस बंदे को ये कहां से कहां तक भागता है। अबे रुक जा भाई, ये क्या मैराथन चल रहा है, और ये बंदा यहाँ से भाग रहा है वो सब तो ठीक है, लेकिन आगे चल के ये किसी और के हाथ से मर जाता है। अबे यार, उस बंदे को मारने के लिए मैं इतनी दूर दूर से भाग के आया, और ये जो बंदा अभी ऊपर की तरफ गया ना, इसने उसको मार दिया, और अब इसकी कीमत इस बंदे को अपनी जान देके चुकानी पड़ेगी। बस तुम अभी देखते जाओ। अब ये बंदा ऊपर चढ़ के बैठ गया, तो इसको लग रहा है कि मेरे को कहीं से भी एंगल नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने गेम खेलना आज ही चालू किया है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। वापस भी आ गए। चलो इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन अब तुमको दिखाता हूँ डीबीएस वर्सेस डीबीएस, क्योंकि सामने की तरफ जो बंदा है उसके पास भी डीबीएस है, और तुम्हारे भाई के पास भी डीबीएस है, तो देखते ये कि कौन किसको पेलता है। चलो अरे रे रे, इस बंदे के साथ तो गलत हो गया, इसको डीबीएस चलाने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इसके टीममेट के पास S12 के, तो देखते उसको भी। भाई कुछ भी बोलो, ये S12 के वाला बंदा था तो खतरनाक, क्योंकि इसका नाम ही इतना खतरनाक है।
फिलहाल इस प्रिजन वाले हॉट ड्रॉप पर जितने भी बंदे आए थे सबको अपुन ने मार दिया था, तो मैं उठाता हूँ चुपचाप अपनी बग्गी और आ जाता हूँ ये साइड। अब रास्ते में आते समय मेरे को दो बॉट मिले थे जिनको कि मैंने मार दिया, और यहाँ पर भी मेरे को दिखता है एक बॉट जिसको मारने के लिए मैं उतरता तो हूँ, पर इसी बॉट की वजह से अभी मैं मरने वाला हूँ। अब अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो पीछे की तरफ से एक गाड़ी आती है जिससे बचने के लिए मैं ये साइड आता तो हूँ, लेकिन बच नहीं पाता हूँ। भाई देखा, एक बॉट को मारने के चक्कर में मेरा पूरा का पूरा गेम प्ले यहाँ पर खराब हो जाता था, लेकिन हुआ नहीं है क्योंकि रिकॉल होने के बाद तुम्हारे भाई ने इनकी पूरी की पूरी स्क्वाड को जो मारा है ना, वो देख के तुमको सच में मजा आ जाएगा। फिलहाल मैं उतरता हूँ पोचिंगी के पास जहाँ पर आया हुआ था एक ड्रॉप जिसको लूट के मैं गाड़ी लेके चुपचाप जा रहा था अपना रिवेंज लेने के लिए, लेकिन तभी मुझे रास्ते में वो वाली स्क्वाड मिल जाती है और उनके साथ जो मैंने किया है ना भाई, सच में तुम वो सीन देखने के बाद मतलब तुम सब्सक्राइब कर दोगे यार, तुम देखना बस वो सीन। अब जैसे मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ तभी सामने की तरफ से वही बंदे आ रहे थे, और फिर जो हुआ वो तुम खुद देखो। भाई ये वाला क्लच अगर तुमको जरा सा भी पसंद आया ना तो तोड़ दो, वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको मार मार के तोड़ दो भाई। फिलहाल सबसे पहले यहाँ से मैं कवर में निकल लेता हूँ वरना कोई मार मार के मेरे को तोड़ देगा। और अभी तो रुको, तुमको आगे एक और खतरनाक क्लच देखने के लिए मिलने वाला है। फिलहाल इन बंदों को मैंने इतनी मेहनत से मारा है तो लूटना तो बनता ही है ना, तो फटाफट से इन बंदों के पेटी से मेरे को जो भी सामान मिलता है उठा के भरता हूँ अपने बैग में और आ जाता हूँ ये साइड। अब यहाँ पर मैं जैसे आता हूँ मुझे सामने की तरफ दिखता है एक ड्रॉप, तो मैंने बोला चलो चल के ड्रॉप ही लूट लेता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं वो ड्रॉप लूटने जाता भाई वो ऑलरेडी लूट चुका था। ये जो शेर वाइटी नाम का तुमको बंदा दिख रहा है ना, ये वहीं पर फाइट कर रहा है, और तो और मजे की बात तो ये है इसकी पूरी की पूरी स्क्वाड को अभी तुम्हारा भाई अकेले ही मारने वाला है, बस तुम देखते जाओ। अब यहाँ पर आने के बाद मैं देख ही रहा था कि बंदे कहाँ कहाँ पर है, लेकिन तभी मुझे दिखता है ये नॉकआउट बंदा जिसका किल तो मैंने यहाँ पर चुरा लिया, लेकिन अब बारी आती है इन बंदों पे रश करने की, तो मैं उठाता हूँ सीधा अपनी बग्गी और अब तुम जरा ये वाला क्लैश देखो। अब इस वाले स्क्वाड को मारने के बाद भाई मैं तो खुश हो गया कि गेम प्ले बहुत ही बढ़िया जा रहा है, लेकिन तभी मेरे साथ ये होता है। अबे यार भाई क्या 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 करूं मैं इस बंदे का, तुम ही बताओ। इतना बढ़िया मेरा गेम निकल रहा था लेकिन ये बंदा भाई पूरे गेम प्ले की ऐसी की तैसी कर दिया। खैर छोड़ो, इस बंदे ने मूड तो खराब कर ही दिया। बाकी तुमको गेम प्ले कैसा लगा ये तुम मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, और अब से तुम्हारा भाई कोशिश करेगा कि थोड़ा गेम प्ले को लेकर सीरियस हो जाऊं, मतलब कि गेम प्ले थोड़ा जल्दी जल्दी लाऊं। बाकी जो कुछ भी है वो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर तुमको ये वाला गेम प्ले जरा सा भी पसंद आया है ना तो भाई वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अपना ध्यान रखो, मैं चलता हूँ।